इस कड़ी में बात राजस्थान के उस नेता की जिसका एक ही हाथ था, लेकिन हाथ वाली पार्टी की पॉलिटिक्स करता था और मुस्तैदी से करता था, जो लगातार 10 बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नाम था हरिदेव जोशी। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम और मैं हूँ आपके साथ कुलदीप शर्मा। पॉलिटिकल किस्से में आज हरिदेव जोशी की बात। साल 1989, तारीख 3 दिसंबर, राजस्थान का राजभवन। नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी चल रही थी। निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने से पहले कांग्रेस के ऑफिस में पहुंच चुके थे। तिलक लगाकर स्वागत किया गया। निर्वाचित मुख्यमंत्री वहां से शपथ के लिए रवाना हो गए, तभी राजभवन के मुख्य सचिव ने एक अनाउंसमेंट किया। मुख्यमंत्री की शपथ का समारोह अप्रिय कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अगले कार्यक्रम की सूचना आपको जल्द ही दी जाएगी। वहां बैठे लोग अवाक रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री को शपथ से पहले रोक दिया गया? वजह बताएंगे, मगर आखिर में पहले शुरुआत की तरफ चलते हैं। राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा। हर बरसात में माही नदी की डूब में आकर इस जगह का बाकी राजस्थान से संपर्क कट जाता था। यहाँ के खांदू गाँव में पैदा 14 दिसंबर 1921 को पैदा हुए हरिदेव जोशी। करीब 10 साल की उम्र में हरिदेव का बायां हाथ टूट गया। गांव के आसपास डॉक्टर नहीं था तो घर वालों ने देसी इलाज करवाया। बांस के खपचों से हाथ सीधा करवा दिया, लेकिन दवाइयों के अभाव में हाथ में जहर फैल गया। घर वाले शहर इलाज के लिए लेकर गए। वहां से डॉक्टरों ने कहा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क है, और हरिदेव का बायां हाथ काट दिया गया। एक हाथ वाले हरिदेव हारे नहीं, आदिवासी इलाका था, डूंगरपुर रियासत के अधीन। यहीं पर पढ़ाई भी की और फिर बड़े होने पर भी सियासत भी। कांग्रेस में एक्टिव रहे और गिरफ्तार और हुए और रिहा भी हुए। फिर देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस के ज़्यादातर लोग अब सरकार का हिस्सा थे। नए लोगों को संगठन में जगह मिली। हरिदेव को इसी क्रम में मौका मिला। 1950 में वह जो है राजस्थान सूबे के प्रदेश महासचिव बन गए। फिर सूबे में पहले चुनाव हुए। हरिदेव डूंगरपुर सीट से लड़े और जीते, बन गए विधायक, जो वह अगली 10 विधानसभाओं के दौरान रहे। लगातार लाल बत्ती मिली। विधायकी के 13वें साल में सुखाड़िया ने उन्हें 1965 में मंत्री बनाया अपनी सरकार में। सुखाड़िया गए तो 1971 में बरकतुल्ला खान उर्फ प्यारे मियाँ सीएम बने और उनकी कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री थे हरिदेव जोशी। 1973 में हार्ट अटैक के चलते बरकतुल्ला खां की मौत हो गई। हरिदेव जोशी को सीनियर मोस्ट के नाते कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब सबकी नज़र इंदिरा पर थी। पिछली बार दिल्ली से सीएम चुनने वाले इंदिरा बोली, विधायक दल खुद अपना नेता चुने। दरअसल इंदिरा हरिदेव को लेकर बहुत उत्साही नहीं थी। उन्हें याद था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव के फेर में कांग्रेस दो पार्ट हुई थी, तब जोशी विरोधी खेमे में थे। वो बात और है कि बाद में वह इंदिरा कैंप में लौट आए थे। तो फिर इंदिरा की चॉइस कौन थे? उन्हें गृह राज्य मंत्री और सूबे के बड़े जाट नेता रामनिवास मिर्धा, अब मिर्धा, और हरिदेव आमने सामने थे। विधायक दल की वोटिंग हुई और उसमें एन पहले कांग्रेस के विधायकों का एक गुट मिर्धा के पाले से खिसक गया। कौन सा गुट? मिर्धा को पसंद ना करने वाला जाट नेताओं का गुट। कोई इसमें परशुराम मदेरना का नाम गिनाता है तो कोई शीश रामोला का, पर गिनने वाली असल बात यह है कि मिर्धा हार गए। जोशी 13 वोट से जीत विधायक दल के नेता बन गए और फिर उन्होंने कार दिल्ली दौड़ा दी। आलाकमान का आशीर्वाद पाने इंदिरा पसीज गई और जोशी राजस्थान के सीएम बन गई। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने सबसे पहले जो काम किया, जिस माही नदी के चक्कर में उनका जिला पूरे सूबे से कट जाता था, उस पर कई पुल बनवाए। इसके अलावा 3 विश्वविद्यालय शुरू किए, कोटा, अजमेर और बीकानेर। फिर इंदिरा के बेटे संजय का काल शुरू हुआ। हरिदेव ने संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम को अतिरिक्त उत्साह से लागू किया। कई विपक्षी विधायकों को भी फोड़कर अपनी पार्टी में ले आए, मगर जनता पार्टी बदलने का मन बना चुकी थी। इसलिए 1977 में बाकी उत्तर भारत की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, पहले लोकसभा में और फिर कुछ महीनों बाद विधानसभा में। हरिदेव जोशी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। कांग्रेस 3 साल बियाबान में रही और इस दौरान एक दूसरा राजस्थानी संजय का खास हो गया। नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। इससे क्या हुआ? 1980 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सूबे का ताज पहाड़िया के सिर सजा।
फिर संजय की मृत्यु हुई और उसके एक साल बाद पाड़िया हटे तो शिवचरण माथुर का नंबर लग गया, मगर हरिदेव की हसरतें अभी पूरी नहीं थी। राजस्थान में शिवचरण माथुर का राज चल रहा था, वह इंदिरा के बाद राजीव के भी खास हो गए थे, लेकिन जब राजनीतिक हराकरी होती है तो खास आम हो जाते हैं। माथुर के साथ ये हुआ, मानसिक एनकाउंटर के चलते 7 बार का विधायक मारा गया तो माथुर भी राजनीतिक बलि हो गई। इस प्रकरण के बारे में विस्तार से आपसे फिर कभी शिवचरण माथुर के किस्से में जानेंगे। यहाँ बस इतना जानें कि माथुर का इस्तीफा हुआ तो हीरालाल देवपुरा को कार्यवाहक CM बनाया गया। फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई और राजीव ने हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे सबसे ज़्यादा चिढ़े राजीव कैबिनेट के गृह मंत्री बूटा सिंह। दरअसल बूटा सिंह पंजाब के थे, मगर सेफ सीट के फेर में राजस्थान की जालौर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके नाम पर एक इलेक्शन कमेटी मीटिंग में चर्चा हुई, कमेटी में जोशी भी थे, उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों का विरोध किया। बात बूटा तक पहुँची, राजीव का वीटो लगा और उन्हें टिकट मिल गया। फिर वह जीत भी गए और मंत्री भी बन गए, और मंत्री जी जब मौका मिलता जोशी की बुराई करते, तो क्या बूटा जोशी की गद्दी खिसका पाए? कुछ योगदान तो जरूर रहा होगा, मगर गद्दी गई सरिष्का के फेर में। जोशी मंत्रिमंडल में एक नेताजी थे, नरेंद्र सिंह भाटी, राजीव गांधी के खास और जोशी के विरोधी। जनवरी 1986 की बात है, राजीव नए साल मनाने परिवार समेत रणथंभौर आ रहे थे। जोशी उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए, मगर भाटी ने कहा, राजीव ये सब नहीं चाहते, उनकी पर्सनल ट्रिप है, आप ना जाएं। जोशी को लगा भाटी राजीव के खास हैं, ऐसे में उनकी बात मानना ही ठीक है, मगर भाटी खुद रणथंभौर पहुंच गए। वहां जोशी के न आने पर राजीव के सामने अचरज भी जताया और प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया। राजीव राजस्थान से नाराज लौटे, इंटेलिजेंस के लोगों ने हरिदेव को अलर्ट कर दिया। जोशी फौरन दिल्ली पहुंचे और राजीव को सब सच बताया। राजीव की नाराजगी दूर हो गई और अब नपने की बारी भाटी की थी, उन्हें मंत्रिमंडल से चलता कर दिया गया। राजीव की फिर एक विजिट हुई, इस बार सरिष्का यानी राजीव ने खुद जोशी को संदेश भिजवाया कि 18-19 दिसंबर 1987 को मेरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी अलवर के सरिष्का में, मगर अनौपचारिक किस्म की, इसलिए राज्य सरकार इसे लेकर कोई तैयारी या खर्चा न करे। जोशी राजनीतिक मुश्किलों से घिरे थे, 2.5 महीने पहले ही देवराला सती कांड में उनकी सरकार की छिछालेदार हुई थी, पार्टी के विरोधी गुट उनको हटाने की मांग तेज कर रहे थे। ऐसे में जोशी किसी भी तरह की बोस को खुश करना चाहते थे, मगर एक रोंग टर्न से सब गड़बड़ हो गया। राजीव ने मंत्रियों से कहा था कि बिना तामझाम के वहां पहुंचे, खुद के अमले में भी कटौती की, राजीव अपनी गाड़ी भी खुद ही ड्राइव कर सरिष्का पहुंचे। उन्हें रास्ता चकाचक लगा, फ्रेश फेबर यानी डामर बिछा हुआ था, सड़क किनारे पेंट था, ऐसे कैसा था, क्योंकि जोशी का अमला चाक चौबंद था। जोशी के विरोधी भी पीछे नहीं थे, उनके पता था कि जोशी ने राजीव के आने पर इंतजाम करने के लिए पूरी सरकार को लगा रखा है। ऐसे में राजीव की गाड़ी को सरिष्का से एक मोड़ पहले मुड़वा दिया, ये मोड़ एक मैदान पर ख़त्म होता था जहां पर दर्जनों सरकारी गाड़ियां खड़ी थी। राजीव ने वजह पूछी तो पता लगा कि CM साहब ने इंतजाम करने के लिए पूरा मजमा लगाया है। ये जानकर राजीव नाराज हो गए। कहा जाता है कि राजीव ने इसके लिए जोशी को डांटा, यहां तक कि उनकी लाई माला को भी स्वीकार नहीं किया, और इस मीटिंग के ख़त्म होने तक तय हो गया कि जोशी को कुर्सी अब ज़्यादा दिन नहीं है। दिल्ली जाकर राजीव ने जोशी को इस्तीफा देने के लिए कहा, जोशी ने कोई विरोध नहीं किया और 18 जनवरी 1988 को इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह शिवचरण माथुर फिर CM बन गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में सीटें मिली 0। आज गिरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत और CM शिवचरण माथुर पर, दोनों के इस्तीफे हो गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव था। ऐसे में राजीव ने हरिदेव को तलब किया, हरिदेव ने गुवाहाटी से उड़ान भरी, आपने सही पढ़ा, बांसवाड़ा नहीं गुवाहाटी ही बोला है। दरअसल शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजीव को लगा कि हरिदेव जोशी और पहाड़िया अगर सूबे में रहे तो कुछ दिक्कत करेंगे, सो दोनों को राज्यपाल बना दिया। हरिदेव राजनीतिक रूप से संवेदनशील असम में तैनात किए गए। जब केंद्र में VP सिंह की सरकार बनी तो ये तय किया गया कि कांग्रेस में जो नेता गवर्नर हाउस में हैं वे इस्तीफा दे अपने घर लौटें।
हरिदेव ने भी ऐसा ही किया। फर्क बस इतना था कि वे राज्यपाल का पद छोड़ते ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। अपने गृह प्रदेश के 2 सितंबर 1989 को जोशी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 3 दिसंबर को वह शपथ लेने पहुंचे और इसी शपथ के ठीक पहले उन्हें रोक दिया गया। इसी रोक से यह किस्सा शुरू हुआ जो अब अपने अंत को है। राज्यपाल ने जोशी को इसलिए 3 दिसंबर को शपथ नहीं दिलवाया क्योंकि तब तक बतौर असम राज्यपाल उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। महामहिम वेंकटरमन की तरफ कांग्रेसी हरकारे दौड़ाए गए। शाम तक इस्तीफा स्वीकृत हुआ और फिर 4 दिसंबर 1989 को हरदेव जोशी तीसरी और आखिरी बार सीएम बने। आखिरी क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और फिर बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत सीएम बने। हरिदेव को लगता था कि वे चौथी बार भी सीएम बनेंगे। 93 के चुनाव के नतीजे के बाद जब उन्हें त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, नरसिम्हा राव के आशीर्वाद से, फिर भजन लाल उनकी मदद को भी आए सरकार बनवाने में, मगर शेखावत का मैनेजमेंट इन तीनों पर भारी पड़ा और इसके 1 वर्ष बाद मुंबई के एक अस्पताल में ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया और यहीं पर ख़त्म हो गई जोशी की राजनीतिक कहानी। आपको हमारे राजनीतिक किस्से कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमें सोशल मीडिया Facebook, Twitter या किसी भी हैंडल पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।